को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बरभागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों। अब दिन बहुत छोटे छोटे रहते जा रहे गए और बाद में अंधेरा हो जाता है, फिर भी कुछ न कुछ भगवान जी के भाव मन में लेते जाइए। मैं बड़ी मुश्किल से एक आधा घंटा ही आपको सुना पाता हूं, पर गीता जी का तो आधा घंटा ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ठोस सत्संग है। परमात्मा कृपा करे आप इसे अपने मन में रख सके, यही भावना लेके आया करे। मैं जा रहा हूं भगवान जी का कुछ ज्ञान लेके आऊंगा। इन दिनों महाराज जी कृपा से मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हम उपदेश ले रहे हैं अर्जुन के प्रश्न और मेरे भगवान जी के लाजवाब उत्तर। ये हमारी साधना के दिनों में बड़े काम आते हैं, बड़े ही काम आते हैं। साधना, हम अपने आप को साध रहे हैं ना, साधना का मतलब क्या होता है? अपने आप को निर्मल करना, अपने आप की अपनी काली वृत्तियों को निकालना। साधना का मतलब अपने आप को ओवरहॉलिंग करना। साधना के ये कई जन्मों के बाद जीव साधक बनता है, वरना जीव तो बारमुखी रहता है लगातार। पता नहीं परमात्मा ने क्यों नहीं बनाया, मेरे पर प्रश्न ना करो, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। कई जन्मों के बाद जन्म पर जन्म लेके मैं अनेक सवालों का जवाब दे सकता हूं, पर इसका क्या जवाब दिया जाए? जन्म पर जन्म लेके फिर जाकर के ये ख्याल आता है कि हाय मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था। अब जो गलती से किया उसे छोड़ना, मिटाना, अपने को निर्मल करना कितना मुश्किल है। आहा हा हा हा। और उधर पातशाही कह रही है कितना गजब का, वो ना परवाह करें, आप तो परवाह करें। क्या मूत पलकती कपड़ हुए दे साबन लई ओ धोए। अगर कपड़े मैले हो जाएंगे, लगाया साबन और साफ कर लिया। जैसे कि भाव, मैंने बड़ी शिक्षा प्राप्त की महापुरुषों से। अब मेरे से जितना बन पड़ा मैंने अपनाने की चेष्टा की। मूत पलकती कपड़ हुए दे साबन नहीं ओ धोए। कपड़े गंदे हो जाए तो लगाया साबन, चिट्ठा कर लिया, काम प्रयोग में आ गया। भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावा के रंग। अपने आप को गंदा ना करो, वो बिना नाम की कमाई के धुलना नहीं। भरिए मत पापा के ओ धोपे नावा के रंग। अनुभवी तो कह के अपने मालिक की जात में चले गए। अब हम कल्याणकामी बने हैं ना, अब हमारा धर्म हो जाता है कि पूरी कदर करें। बड़ा अनमोल जीवन है जैसे अब आप अनुभव करने जा रहे हैं। बहुत ही अनमोल जीवन है। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जहां तक हो सके जितने अनावश्यक कार्य छोड़ दो और मालिक से पूछो, मेरे मालिक अनावश्यक कार्य कौन सा होता है? हमारी गीता कहती है जिसके बिना काम चल सके वो अनावश्यक है, गैर जरूरी, नॉन एसेंशियल, अनवांटेड। अनवांटेड, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई बच्चा मुझे बताइए, इतनी देर सत्संग सुना, वांट और डिजायर में क्या अंतर है? वांट, अंग्रेजी में वांट, और डिजायर में क्या अंतर है? मेरे लिए शर्म की बात हुई। कोई यहां पर महात्मा आए और आप पे प्रश्न डाले तो मुझे क्या कहेगा? इनको ये गीता सुनाते रहते हो। वांट और डिजायर में अंतर क्या है? बाबा दोनों का तो एक ही है। नहीं, बड़ा भारी अंतर है मेरे बेटे, जरा विचार तो करो। अंग्रेजी में वांट बोलती हैं और दूसरे शब्द इसके है डिजायर, पर दोनों में अंतर क्या है? ऐसा ध्यान देना, वांट अच्छा और डिजायर। पहले वांट का अर्थ क्या है? पहले मुझे अर्थ बताइए, उसके बाद आप मुझे डिफरेंस बताइए। वांट का अर्थ क्या होता है? वांट का मतलब चाहने का मतलब वांट, और डिजायर वेद जी वांट और डिजायर में इतनी बड़ी जनता में अंतर नहीं बताया जा रहा। बेटी बहुत अच्छे पैदा करती हैं, इच्छा के बिना शरीर रह नहीं सकता। वांट के मतलब नहीं रह सकते, वांटेड होता है जरूरी कामना, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी वांट है। बाकी जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं वो हमारी डिजायर्स है। वांट तो भगवान पूरी करती हैं, लेकिन डिजायर करके इंसान जलील होता। वांट तो उन्हें पूरी करनी है, जिसके बिना शरीर ना रह सके उसको वांट बोलती है, जिसके बिना निर्वाह ना हो सके वो वांट है, और जो हम आसानी से छोड़ सके वो डिजायर है। दुनिया में डिजायर मल्टीप्लाई हो जाती है, वांट नहीं। वांट तो मेरी भगवान ने पूरी करनी है। तो आइएगा हम अब आगे बढ़े। ये सत्संग हमारी डिजायर नहीं वांट है, ये हमारा मानसिक भोजन है। और गीता जी का सत्संग देखो, मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं अपने आप को। श्री गीता जी का सत्संग हमारी वांट है, इसके बिना नहीं, क्योंकि ये हमारा मानसिक भोजन है। जैसे स्थूल शरीर के लिए भोजन के बिना नहीं जिंदा रह सकते, इसलिए भगवान के ज्ञान के बिना हमारा मन बर्बाद होता। ये हमारी वांट है। तो क्या गजब के अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। हम 14वें अध्याय तक निकल गए, जहां अर्जुन ने 14वें अध्याय, आप एकाग्र जाओ मेरी देवियों, सब आने का लाभ उठाइए, सब के सब भूल जाओ अपनी दुनिया, भूल जाओ अपनी गस्ती, भूल जाओ आबाला की गलियां, मोहल्ले और शहर, और पूरा मन खींच करके लगा दो मेरे प्रभु जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। 14वां अध्याय गुणों से भरा हुआ है, गुणों की डिटेल बताता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों का डिटेल। अब उसके बाद अर्जुन ने कवाली कर दिया, तीनों गुणों से जो उठ जाता है वही तो आपके दीदार के काबिल होता होगा। जरूर अर्जुन, तो फिर तीनों गुणों से उठे कैसे जाए? हाय, यह आने वाली हमारी जैसी धार्मिक जनता के कल्याण के लिए भगवान ने प्रेरणा देके ये प्रश्न करवा लिया। प्रश्न किया गया नहीं, प्रश्न करवा लिया गया। प्रेरणा देकर के भगवान जी प्रश्न करवाते हैं, ताकि अब जो धार्मिक जनता आई और आगे भी आएगी तो वो तो अपना कल्याण कर लेगी। यह हर एक पीढ़ी का या युग का यह प्रश्न रहेगा। जो भी आपकी तरह सीरियसली, सिंसियरली, डिवोटेडली कल्याण करना चाहती है या चाहते हैं, उनके सामने ये प्रश्न आएगा। प्रश्न आएगा, ये समस्या आएगी। समस्या और प्रश्न में क्या अंतर है? प्रॉब्लम और प्रश्न में क्या अंतर है? बच्ची रगड़ो अपनी बुद्धि, समस्या और प्रश्न में क्या अंतर है? प्रश्न मैं समझा देता हूं। प्रश्न एक साधारण अवस्था में बोलते हैं, साधारण सामान्य अवस्था, साधारण अवस्था। जब वही प्रश्न हमारी बुद्धि से परे हट जाता है, हम बुद्धि और मन पूरा लगा लेती है और उसका हल नहीं निकलता, तो वही प्रॉब्लम बन जाती है, जिसको हम उर्दू बोलने के है, मेरी समस्या, मेरा प्रश्न पेचीदगी का रूप ले चुका। अपनी भाषा में कहेंगे मेरा प्रश्न जटिल हो चुका। अपनी भाषा में क्या शब्द है? जटिल। उधर अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहेंगे तो फिर कहेंगे प्रॉब्लम अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड, बियॉन्ड माय इंटेलेक्ट, बियॉन्ड माय माइंड, नो, बियॉन्ड माय पावर, बियॉन्ड माय पावर। तब हमें किसी अनुभव की सहायता लेनी पड़ेगी। और जहान में तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। खासकर आजकल के ग्रस्त आश्रम में पचीदगियां बहुत, कई जटिल समस्याएं हैं जो हमारे वक्त की बात नहीं। आप जिनके घर में लड़कियां हैं, समस्या योग्य वर मिलना। अब आजकल कारोबार, आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे लिए बहुत समस्या है देश के लिए। क्या काम क्या किया जाए, कैसे मैं अर्न करूं और दो समय का भोजन निकालूं, ये समस्या बन चुकी है। क्योंकि आबादी ज्यादा, काम बहुत थोड़े और आबादी बढ़ती जा रही है। तो जिसकी दुनिया है अपने आप ख्याल करेगा, उन्हीं का करेगा। लेकिन बच्चे रोल रहेंगे। फिर एक मैं बेवकूफी कहूंगा, बेटे आप माने ना माने, मेरे अंदर जो प्रेरणा होती है वही बोलता हूं। लड़कियां भी जो काम करने लगी हैं, ये मेरे देश के लिए जुल्म है, अन्याय है। लड़कियों को नारी चार दीवारी, आपको चार दीवारी में रहना चाहिए था, तब मेरे बच्चों की काफी समस्याएं दूर हो जाती। लेकिन कोई भगवान जी चाहते होंगे, मैं तो यही कह सकता हूं। प्रकृति ये चाहती है क्या? आप ही डट के शाना बशाना खड़ी हो चुकी हैं। इतनी कहां है नौकरियां, इतने कहां है काम, या आबादी ना बढ़ती, वो भी जोर से बढ़ रही है। आजकल 95-96 करोड़, जैसा गवर्नमेंट कह रही है 1.5 करोड़ हर साल बढ़ जाती है। 1.5 करोड़ आबादी हर साल बढ़ती, तो क्या बनेगा? समस्या खड़ी हो जाएंगी। समस्या भी नाना प्रकार का रूप लेकर। अब हमारे इस मार्ग में क्या समस्या है? आप में से कोई, मैं प्रश्न नहीं कह रहा, समस्या, साधक के लिए क्या समस्या खड़ी होती है जो आपके सामने सही रूप में आई हो? ऐसे बुद्धि लगा चगल नहीं मारनी। एक आप जैसे सच्चे साधक के लिए क्या समस्या आती है? मन की एकाग्रता। अच्छे मेरे बेटे, साधक के सामने क्या समस्या है देवियों, सज्जनों? बहुत अच्छे, कम ऑन, शाबाश। साधक के सामने क्या समस्या आती है? समस्या का मतलब जो हल न की जा सके, जो हमारी बुद्धि और मन से परे बात हो जाए, बियॉन्ड अवर एवरीथिंग, बियॉन्ड अवर पावर। समस्या तो वही बनेगी ना जो हमारी विदन पावर और हम हल कर ले, वो तो समस्या ही नहीं। जो प्रश्न हल न किया जा सके उसका दूसरा नाम समस्या है। जो प्रश्न हल न किया जा सके, जिसकी सोल्यूशन हमारे पास ना हो, दैट वेरी क्वेश्चन बिकम्स कॉम्प्लिकेशन। आपके सामने, साधक के सामने क्या समस्या खड़ी होती है? संकल्प विकल्प नहीं बंद होते, अर्थात मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता ना कहो आप, मन की विक्षेपता। आप एक शब्द जो हमारे यहां है वो बोलना चाहिए, मन की विक्षेपता। और एक सच्चे साधक के सामने क्या समस्या है जिसका हल वो कर नहीं सकता? बेटी ठीक आपने कहा, यही समस्या होती है। मैं से क्लियर करता हूं, संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, ख्याल उसके, ये एक समस्या बन जाती है। अच्छा मैं इतनी कह के कहूं तो मेरे लिए पाप का पाप हो जाएगा, मैं बकवास कर दूंगा। अगर संकल्प विकल्प का रुकना ही समस्या है तो फिर इसको दूर करने का हाल क्या है? ये दूर हो जाए तभी तो जवाब बनेगा, तभी तो अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर बनेंगे। संकल्प बंद हो जाए और ये अवस्था बन जाए, ख्याल उसके वश में न चिंतित अपनी चिंतित मूल शब्द भी दिया करो जरूर, लेकिन भगवान की शब्द क्या, ना ना मैंने ना चिंतित अभी कुछ भी चिंतित चिंतन में ना आए, कुछ भी चिंतन में ना आए। चला रही है गीता, कृष्ण यही बता रहे जो बार बार भागे तो बार इसकी हिफाजत में फिर रूप की छोड़। ये मेरे से जानकारी कर लो मेरे सजनों, मैं बड़ा ही निराला एक प्रचारक हूं। मैं वो प्रचार बिल्कुल नहीं मानता जैसे आम समाज में हो रही है, गलत, बेसिकली रॉन्ग है ये। हमें बेसिकली लेना चाहिए, क्यों है ऐसा, इसका कारण क्या बताती है गीता, समझाती है गीता, उड़ाती है गीता। इसी से कहता हूं ये संपूर्ण सत्संग है। मैं ये कहता, जब तुम्हारा खाना समाज में संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, ये जीवो तो भगवान में चली गई, मेरी बकवास हो गई। हाउ टू करवा संकल्प विकल्प, ये लेना चाहिए ना। क्यों संकल्प सोचती है संसार के, तो संसार की महत्ता बढ़ाई है। जब तक भगवान कहते ये बात यही ना उतर जाए क्या अनित्यम, तब तक संकल्प विकल्प बंद नहीं होता। हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मेरे बुखार नहीं उतर रहा, मेरा बुखार 102 पर टिका हुआ। ये देखिए ना कार मैं दवाई तो दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप दवाई लाख देते रहिए, डॉक्टर तो हो या मैं मानता हूँ डॉक्टर आप है, मैं मरीज हूँ, लेकिन आप ये नहीं ढूंढ रहे कि बीमार मेरा बुखार किस कारण से है। दवाइयां जितनी जाना कोई ना कोई दवाई तो लगेगी। आम डॉक्टर के पास कोई टाइम नहीं दे, वो आप पर आजमाते जाएंगे, चाहे आप तबाह हो, चाहे आप किसी जाए ना जाए। डॉक्टर साहब की क्या डॉक्टर साहब के प्रैक्टिस जारी है। आज वो डॉक्टर दुनिया में बहुत कम है जो बड़ी एकाग्रता पूर्वक उसका कारण ढूंढे। कारण ढूंढेंगे तो निवारण होगा। हाय 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 पहले बेटे कारण काज फिर रेमेडी। इस तरह अपने अंदर कभी हम इलाज करने आते हैं यहां, फटो जी काज फिर फौरन रेमेडी निकल आएगी। पहले कारण फिर क्या होगा, ये दो शब्द पकड़ लो, पहले कारण फिर निवारण। पहले कारण फिर निवारण। गीता के मुबारक कृष्ण ने इस पर बड़ा जोर दिया। साधक का मतलब ही यही है, साधना करना। साधना का मतलब ही यही है कि जो समस्याएं हैं उनको दूर करना, जो प्रश्न है उसका समाधान लेना। प्रश्न का उत्तर नहीं कहना, प्रश्न का समाधान। क्योंकि प्रश्न ये आम प्रश्न नहीं, सामाजिक प्रश्न, बल्कि सही रूप में कहा जाए तो ये प्रश्न नहीं है, ये गए शंकाएं। जहां भी प्रश्न हो तो ब्रैकेट में लिख लो शंकाएं। आम प्रश्न तो सामाजिक होती है, शरीर के बारे में प्रश्न होते हैं, परिवार के बारे में प्रश्न होते हैं, या किसी भी दफ्तर के बारे में प्रश्न होते हैं। जो अर्जुन पूछ रहा है अगर उसका उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड लिया जाए तो शंकाएं, तो उसका समाधान हमारे भगवान जी जगत गुरु के नाते से कर रहे थे। और हमारे पर बड़ा भारी उनका उपकार बेटी, बड़ा भारी उपकार। परमात्मा करे हम भगवान द्वारा दी गई समाधान का पूरा लाभ उठा सके। हमारा मन संकल्प से रहित होता जाएगा यदि हम संसार को निर कर दें, अर्थात अपने अंदर के संसार को, इसको अनित्य आंसू जैसा करें। ये तो हमने इमेजिनेशन थोड़ी की है, ये हमने कल्पना की नहीं। संसार के अनित्यम, और जो चीज अनित्य होती है वो जो चीज अनित्य होगी हाँ वो दुखदायी क्यों होगी, क्योंकि वो टिकने वाली नहीं है, थोड़ी देर रहती है और फिर चली जाती है काला कोट पहन के। जी बताइए बोली नहीं मेरी बेटे परिवर्तन। अब देखिए मैंने एक चीज को ले लिया, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, मैं बन गया उपभोक्ता। अंग्रेजी में बोले कंज्यूमर, मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं देवे देव। सुनिए मेरे जैसों से आप कोई चीज मैंने ली, चाहे माँ जी ली, मैंने पिताजी ली, या बहन ली, भाई लिया, या पत्नी ली, या पति लिया, या पुत्र लिया, जो चीज भी, चाहे वो प्राणी है या पदार्थ। प्राणी पदार्थ में क्या अंतर होता है? एक मिनट यार चगला ना मारी जाओ। प्राणी और पदार्थ में क्या अंतर है मेरे बेटे? मोटू है तू खड़ा हो जा, एक मिनट चुप। मतलब तो ये नहीं एक एक बात खुल जाए और मेरे मालिक मेरे पर कितने खुश होंगे। दुनिया नाम है प्राणी और पदार्थ का। प्राणी और प्राणी प्लस पदार्थ, प्राणी क्या होता है? प्राणी सजीव और पदार्थ निर्जीव। प्राणी को हम बोलेंगे बीइंग अंग्रेजी में, और पदार्थ को बोलेंगे थिंग। प्राणी होते चलने फिरने वाली चीजें, सजीव मूवेबल, और जो पदार्थ होते हैं वो इमूवेबल अर्थात निर्जीव। इसी के नाम संसार है। भगवान के दोनों चीजें संसार में फैला दी है। क्या चलने फिरने वाली जिसे हम बोलते हैं चर, और जो न फिरने वाली हो चर और अचर, या जड़ और चेतन। इसी को संसार। एक एक क्लियर करो मेरे से। जब तक इस शरीर को आप साथ नहीं देते, संसार में नहीं पहुंचाते, तब तक एक एक बात मेरे से पकड़ लो, फिर साधना बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी आसान। क्योंकि एक एक बात क्लियर हो जाती है, हम मन भाग के कहा जाएगा। क्यों चीज दुखदाई देती है संसार की? मैं प्रयोग करूंगा कोई भी चीज, प्रयोग करेंगे प्राणी और पदार्थ, उनमें परिवर्तन आएगा और परिवर्तन भी इससे गवारा नहीं होगा। मेरी माँ बदल गई है तो क्या मरे फिर, जब उसका दूसरा बेटा पैदा हो गया है तो सारी टेंशन उधर ही जाएगी, तो जो मेरे पास टेंशन देगी तो कम हो जाएगी। ये कितना दर्द भरा सीन है, अपनी आंखों के सामने लाओ। अगर रैंक बना सकते हो रैंक बनाओ। एक माँ जी खड़ी है, गोदी में उनके कोई साल भर का बच्चा है, एक इधर 3 साल का बच्चा उसके नीचे खड़ा है और वह हाथ ऊपर किए हुए है, अम्मा मुझे ऊपर ले ले, अम्मा मुझे गोदी में ले ले। पुत्र कहते इसको फेंक दे, इसको फेंक दे, मुझे गोदी में ले ले। कितना रोमांचकारी दृश्य आप देखेंगे। निकला अबोध बच्चा तरसता है कि मां मुझे गोदी में ले, और वो कितनी नीक अगर रोज गोदी में बच्चे तेरे एक भैया है जो बेचारा 1 साल का है, इसको कह रहे हो इसको पहले पहन दे, अम्मा तू कहां से लाई है। तरसता है। अब बच्चा क्यों तरस रहा है कि ये गोद किसने ले ली, ये गोद तो मेरी थी। बड़ा जुल्म करती है वो नालायक इंसान जो अबोध बच्ची के होते हुए एक और जन्म दे देती। अभी तो गोद 5 साल तक उस बच्चे की थी, आपने उसके हक को छीन लिया। ये नैतिक रूप में, एथिकल रूप में बड़ा भारी पाप है। आप कोई भी चीज हम लेंगे उसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन गवारा नहीं होगा। तो जैसे बच्चा तिल मिला रहा, मैं तिल मिलाना कह रूंगा, बच्चा बेचारा हैरान परेशान है। गोद उसकी है 5 साल तक, उसके बाद तो मांगेगा नहीं गोद, क्योंकि उसकी पिलियों में, उसकी भुजाओं में और उसकी जांघों में पूरी ताकत आ जाती है और वो भागने दौड़ने इधर उधर आने जाने के काबिल है। तो ये तत्व मिलाना। तो कोई भी चीज हम ले लेंगे परिवर्तन आएगा, परिवर्तन गवारा नहीं होगा, लोग हम दुखी हो जाएंगे। जब ये बात समाज है, संसार की सब चीजें परिवर्तनशील है, हम किसी भी प्राणी पदार्थ पर मन नहीं लगाए। रोना तब पड़ता जब मन लगाए, उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। याद रखना, देयर वुड बी नो डिपेंडेंस एट ऑल। और बिना डिपेंड किए मन रहेगा नहीं तो फिर डिपेंड करेगा भगवान पर। यह एक तरीका अपने आप को भगवान की ओर मोड़ने का। मनवा अगर इन पर डिपेंड करता है, ये परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता तो जगवारा नहीं होगी तो रोया करेगा। दुनिया में दुख क्यों बढ़ गया। हर रारी ने कल युग में 20वीं शताब्दी में अपने मन को कई प्राणियों, कई पदार्थों पर रखा हुआ है। जब तक भगवान कहते ना ये विश्वसनीय, अवलंबनीय नहीं है, नॉट रिलायबल, नॉट डिपेंडेबल। जब ये बात गहरी उतर जाती है, लो अब ये अवस्था बन जाएगी। ख्याल उसकी आजमा के देख लो, कितना लॉजिकली भगवान ने समझाया। जरूरत है समझने की और उससे कई ज्यादा जरूरत है मेरे जैसों के विस्तार पूर्वक समझाने की। भाई एक बात मन में आई, इनकलाब आ गया। आपको शास्त्र करने की क्या जरूरत है। यह संसार की महत्ता हमारी बुद्धि, हमारे मन के सामने से हट जा, कम हो जाएगी। जो जो कम हो जाएगी, मैं आपको सच्चाई से काम ले रहा हूं, आप करके देख लो संकल्प कल्प। इसके बाद आप जो जो संकल्प करें, इसके बाद आपका मन अंतर्मुखी होता जाएगा, भगवान के नजदीक पहुंचते जाओगे। भगवान जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंश है, जैसे हम कहते हैं धन हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन पता नहीं लगाना धन केवल स्थूल शरीर के लिए अनिवार्य है। मन बुद्धि के लिए धन नहीं चाहिए, मन बुद्धि के लिए भगवान चाहिए। याद रखना मेरे लेख जीवों और मेरे भारतीय धार्मिक देवियों, स्थूल शरीर के लिए धन चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर जिंदा होता है किससे, रोटी कपड़ा और मकान। और अंदर वाले शरीर और है, इसको अब बुद्धि और मन बोलती है। उसे क्या चाहिए, उसे भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का निष्काम कर्म चाहिए। ज्ञान उसे बुद्धि के लिए चाहिए, प्रेम बसता है, बुद्धि में निर्णय रहता है और कर्म से कर्म होती है। तीनों के करने का ढंग भगवान ने बता दिया। या पक्का निर्णय हो जाएगा, मन में प्रेम अर्थात भक्ति हो जाएगी और कर्म द्वारा हम कर्म करेंगे। और कर्म कैसे, निष्काम कर्म, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। देखिए ऑब्लिगेटरी, निष्काम कर्म, जिन कर्मों के बिना हम नहीं रह सकते, हमारे लिए अनिवार्य है, वो हम जरूर करेंगे। ये तरीका भगवान ने बता दिया। तो इंसान दुखी होता रहेगा जब तक संसार के प्राणी पदार्थों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसलिए भगवान का क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। भगवान का बड़ा भारी उपकार है हमारे पर, जिन्होंने ये समझा दिया। क्यों, कितना भारी उपकार है भगवान का हमारे पर, जिन्होंने हमें भली प्रकार ये समझा दिया। भली प्रकार क्या समझा दिया? तान काम में मन रहे ध्यान में। गीता का उपदेश अगर यूं कर दो ना, ये हाथ, ये है गीता का उपदेश। एक हाथ जमीन की ओर, एक हाथ आकाश की ओर, पूरा गीता का उपदेश आ जाएगा। तन द्वारा हमने संसार के धंधे पूरे करने हैं, लेकिन जहां तक मन का चलन कहे जड़ी जिसकी ऊपर चले, अपना मन पूरा बगड़। कोई ऐसे फोटो खींच दे तो ये गीता का उपदेश है। और इसके नीचे लिख देना चाहिए तन काम में, इसके साथ यू बना के मन और इसके साथ यू बना के तन। ये दो ही तो मैं और आप लेके आए हैं। ये स्थूल शरीर हो गया और दैट सूक्ष्म शरीर, उसको भगवान का ज्ञान चाहिए। ये किसी को पता ही कोई नहीं। इसलिए सब कुछ होते हुए, इतनी पढ़ाई है, कमाई है, मकान है, कार आपके पास नहीं है, पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उदास, हताश, निराश। इतने शानदार आपके कमरे गए, एयर कंडीशनड, वात अनुकूल कमरे, लेकिन अंदर रो रहे हो, बेचैन, बेकरार। क्यों? इसको टिकाने का तरीका ही नहीं आया। अर्जुन ने यही पूछा है, प्रभु जब तक जीव तीन गुणों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक आपके नजदीक पहुंच ही नहीं सकता, मालिक के नजदीक जाएगा ही नहीं। वो इनसे उठेगा तो मन हो जाएगा बिल्कुल संकल्प विकल्प से रहे। अगर हम केवल सतोगुण में रह जाएंगे तो क्या भगवान का जाप करते रहेंगे, अच्छा गीता पढ़ते रहेंगे, लेकिन मन तो सतोगुण में ही रह गया ना, इससे ऊपर तो ना उठा, ख्यालों से को छोड़ा तो नहीं। इसको विवेकानंद का एक गीत है, सन्यासी बोल्ड, बहुत अच्छा गीत है इंग्लिश में, यदि आप पढ़ना चाहे तो। उन्होंने क्या कहा, बड़ा अच्छा गीत है, उनके कई कलियां हैं, उसमें एक कली का एक भाव बताता हूं। क्या जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, हाय जंजीर तो जंजीर ही रहेगी। अगर आपको सतोगुण के संकल्प आ रहे तो ये सोने की जंजीर है, जबकि आपको अपने रजोगुण के संकल्प, कंचन के, कामनी के, कीर्ति के, लेने के, देने के, राग के, वो लोहे की जंजीर थी। अब आपको शुभ संकल्प आते हैं, पर इससे भी तो ऊपर उठ जाओ ना, ये भी तो कुछ समय के लिए आने चाहिए। अगर ये बार बार उठे, मैंने बार बार पढ़ना है, मैंने बार बार गुण याद करने हैं, मैंने भगवान जी का नाम लेना, मैं भगवान जी का नाम ले रहा हूँ, मैं बार बार पाठ करके फिर रोटी खाऊंगा, वो पुत्र ये भी तो 2 दिन हो, 2 महीने हो, 2 वर्ष हो, इससे भी ऊपर उठ जाओ। ये या पता लगा ऊपर उठ जाओ, तलीन हो गया भगवान के अंदर। अगर हम इसी में रह गए तो ये सोने की जंजीर है, फिर भी तलीन तो ना हुए, आए, फिर भी एक मिनट तो ना हुए। आहा, यह है 3 गुणों से ऊपर उठ जाना। पहले तो तमोगुण से उठना बड़ा मुश्किल, फिर रजोगुण से उठना बड़ा मुश्किल, फिर सतोगुण से उठना तो बड़ा ही मुश्किल। अच्छा, इसको भी धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को ख्यालों से रहते छोड़ने का मतलब संकल्प विकल्प बंद करने पड़ेंगे, संकल्प विकल्प बंद कर दो बस। जब ये पता लग गया कि नित्य वासु कम, फिर किसके संकल्प, फिर तो जो जिस समय का काम हो कर गुजरे, फिर उसके संकल्प क्या, मैंने सब्जी लानी है तो मैंने बाजार में कपड़ा लाना, श्रीमान जी की दवाई, ये बकवास हो गई। जो लानी है गो, जाइए लाइए, जाइए और लाइए, ताकि इसके बाद कोई संकल्प ना उठे, फिर तो मेरा पार होता है। वरना आमतौर पर सोचते रह जाते हैं। ये बड़ी भारी बात है, किसने तलीन होना है मन में, तो मन तो सोची जा रहा है संसार की बातें। जरा ध्यान देना, किसने जाना है स्कूल, काके ने, तो काका तो गुराने मारी जा रहा है, काका तो सो रहा है, जिसको स्कूल जाना है वो सो रहा है। हाय, पहले वो वाकर से शक्ति लेकर चलता था, क्योंकि वो गिर जाता था, तो वाकर उसके आगे सहारा वाकर का, तो काफी आप सहारा सतोगुण का। तो फिर धीरे धीरे करके संकल्प विकल्प बंद होने चाहिए संसार के, चाहे शुभ संकल्प ही हो, तो भी ये सोने की जंजीर है, ये भी बंद होने चाहिए। फिर अवस्था बन गई, ख्याल उसके जो आगे कह रहे, मन महवे, मन तलीन हो गया भगवान की जान। अर्जुन का प्रश्न बड़े मार के कहे, समय थोड़ा होता, मैं क्या करूं, बड़े कमाल का प्रभु वो तीनों गुणों से कैसे उठ जाता और उठ के कैसे आपकी जात में तरीन हो जाता। हम क्या करूं, टाइम गवर्नमेंट गॉन, आप जाके टाइम घर में निकालना और गहराई में उतरिए। आप जाइए, मैं स्वतः गुण से उठती जा रही हूं, इजिकल टू संकल्प विकल्प छोड़ती जा रही हूं ना। चाहे शुभ संकल्प विकल्प है, बुरे नहीं आते अब, पर वो पहले बुरे आते थे तो भी संकल्प करते, अब सूर्य शोभ आती है तो जिसने तलीन होना वो तो ये संकल्प कर रहा है। हरे गए, जिसने तलीन होना वो कौन है? मन। तो मन तो शुभ संकल्प कर रहा है तो शुभ भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, बस फिर तलीन होगी। यह है सतोगुण से भी ऊपर उठ जाना। सतोगुण से ऊपर उठ जाना इजिकल टू, क्लियर करो, सतोगुण से ऊपर उठ जाना इजिकल टू ख्याल उसके वश। और ख्याल किसके वश में? आगे फिर करो, ख्याल उसके वश में इजिकल टू अनित्यम आसुकम का भावना या भाव गहरा उतर जाना मन में। ये संसार नहीं हो जाएगा हमारे लिए। संसार में तो मन तब जाता है जब इसे सुख दृष्टि बनाए किसी प्राणी पदार्थों में। याद रखना देवी, जब आप सुख दृष्टि बनाएंगे तब किसी प्राणी में ये पदार्थें भागेंगे। जब देखिए तो अत्यंत दुखदायी परिवर्तनशील है, देन वाई टू बॉदर अबाउट दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट और वर्ल्डली थिंग्स एंड बीइंग, तो इसके संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। अब आया मजा आपको, क्या मालिक के नजदीक पहुंचे। अब आया मजा आपको सतोगुण से ऊपर उठ जाने का। अब ये क्या रास्ता है? ये वे टू मेडिटेशन, ये रास्ता है ध्यान अवस्था। ये जो कुछ बोला आज, इसको बोलते हैं इक्वल टू ध्यान अवस्था, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वे ऑफ मेडिटेशन। ये हमारे हिंदू धर्म का आखिरी मंजिल क्या? ध्यान अवस्था। ध्यान करते करते यानी डीप हो जाना, तलीन हो गया जी। सीखो मेरे जैसों से, सीखो बेटे, जितना अनुभव भगवान जी ने हमारे जैसों करवाया। हमारे से लीज आपका बर्थ राइट है, हिंदुस्तानी के नाते से और कल्याण काम के नाते से हमारा बर्थ राइट है। जिन्होंने हमारे पर इतना भारी उपकार किया भगवान ने, गीता देकर भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। तेरे देवियां गाकर मेरे जैसे को रोमांच कर देती हैं। क्या एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, क्योंकि 16 कलाएं और हमारे हिंदू धर्म के साथ कलाएं 16 मानी गई हैं, तो भगवान कृष्ण 16 कलाएं लेके प्रकट हुए थे। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। ये होता गजब ढाना, यहां कमाल कर दिया तूने। एक तो इतनी कलाएं कोई भी नहीं लेके आए, भगवान राम 14 कलाएं लेके आए और महाराज जी पूरी कलाएं लेके आए ताकि जल्दी जीव का कल्याण करें। फिर गीता सुना दी, ओए होए होए, एक सोना और फिर सुगंधी, ये एक सोना फिर ऊपर सुहागा और चमक उठेगा सोना, एक कृष्ण का अवतार फिर ऊपर गीता का उपदेश, ओए होए 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 होए। एक संपूर्ण अवतार से बोलती है, संपूर्ण अवतार है, संपूर्ण अवतार, फिर उसके ऊपर गीता का उपदेश। वाह मेरे मालिक वाह, एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। पहली कड़ी चलती है क्या 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 क्या, 3 लोकों के हमारे त्रिलोकी के प्रभु आपको बोलती हैं। ऊपर का लोक देवलोक, ये हमारा मृत्यु लोक, हमारे पैरों के नीचे क्या है पाताल लोक। इन 3 लोकों के आप नारायण हैं, 3 लोकों के मालिक होते हुए ऐसा काम, रथ चलाना तुम्हारा। इतने बड़े चोटी के भगवान के आपके एक इशारे से त्रिलोकी चले और तुम सकार लेकर किसी का रथ ठाको। इतना प्रेम अपने भगत के प्रति, ये तो नीच पुरुष काम करते हैं जो बड़े ही, जैसे आजकल मैं कहूं क्लास 4, और क्लास 4 का काम हमारा प्रेसिडेंट कर रहा है, देश का बादशाह है। क्लास 4 का काम हमारे देश का बादशाह करे। हाँ, हम कहेंगे ये क्या, लोग के नाथ रात ठाक के यू करें। 3 लोगों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब था। कितना बड़ा उपकार हमारे जैसे जीवों के लिए जिनकी बुद्धि का विकास हो जाता है, ऐसी देवियों के लिए जो जिनकी बुद्धि का विकास, जिनकी बुद्धि डिवेल्प हो जाती है, उनको भगवान का ज्ञान चाहिए। जिनकी बुद्धि इतनी डिवेल्प नहीं, उनको रामायण चाहिए। जिनकी बुद्धि और भी डिवेल्प नहीं हुई, उनको भागवत पुराण चाहिए। और जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है भगवान की कसम, उनको केवल गीता चाहिए। बुद्धि और खुल जाएगी, बुद्धि और भी विकसित हो जाएगी, बुद्धि दूरदर्शनीय हो जाएगी। बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार। ये हमने अब 14वें अध्याय तक प्रश्न उत्तर ले लिए, यानी शंका उसका समाधान लिया। इसके बाद चलता है 15वां, इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रश्न उत्तर नहीं। फिर चलता 16वां, इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर नहीं। फिर 17वें में आता है प्रश्न उत्तर, जो आपकी श्रद्धा के अनुसार नहीं जुटे हुए। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है प्रभु, और जो श्रद्धा के अनुसार नहीं जुटते उनका क्या हाल होता है। ये बड़े और भी कमाल का प्रश्न है। फिर 18वां अध्याय होता ही प्रश्न से शुरू है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है मेरे मालिक। बड़ी कृपा भगवान की हो मेरे सज्जनों, रोम रोम खिल उठता है उनके उपकारों को याद कर। गीता का उपकार, किसी किसी पर उपकार होगा होगा, पर हमारे हम सब के ऊपर इतने वर्षों से जो गीता का ज्ञान मिल रहा है, इस रूप में बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार। तभी तो जीव चाहता है, मन चाहता है, बेशक मेरे भगवान मुझे मुक्त न करे, मेरे भगवान मुझे जन्म दे, लेकिन एक शर्त है, बेशक कितने जन्म दे दे, पर मैं गीता का प्रचार करता रहूं, आपको जगाता रहूं, उठाता रहूं, भगवान की ओर भगाता रहूं। बेशक जन्म दे दे भगवान मुझे मुक्त न करे, अपनी जात में एक में एक न करे, लेकिन बनाए मुझे गीता का प्रचार। जगा बता बता करके मैं अपनी बेटियों को, अपने देश के धार्मिक भाइयों को उठाओ। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे दाता, आप ही बेहतर जानते हो। हमारी श्रद्धांजलि मेरे प्रभु स्वीकार कीजिए। और श्रद्धांजलि मेरे प्रभु आप जानते ही हैं प्रेम से भरी होती है। ये हमारी प्रेम भरी श्रद्धांजलि। और मेरी बेटी मेरे साथ शामिल, मेरे बच्चों मेरे साथ शामिल, ये हमारी प्रेम भरी श्रद्धा से भरी हुई श्रद्धांजलि भगवान के श्री चरणों में। दत्त मेरे श्याम तेरे तो की वारा, एकदम दिलवारा कि मैं जानवारा। दत्त दस मेरे श्याम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा के मैं जानवारा। वो दस में जाओ मालिक जाओ, तेरी गीता तू श्याम प्यारे, हार वारा के मैं प्यार वारा। ओ तेरी गीता तू श्याम प्यारे, आह आह तेरे ऐसा ना तो श्याम प्यारे, हारवा राख में प्यार वारा। तेरे बहुत अच्छे बड़े प्रेम से। दस मेरे श्याम तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारा। दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा कि मैं जानवारा ओए दस मेरी तेरी गीता तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरी गीता तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरे एहसान तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारो तेरी दस मेरे शाम तेरे तू की वारा हर दिलवा राख में जानवारो ओए दस मेरे तेरी एहसान तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरे जा हो मालिक जा हो दस मेरे शांत रे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा दस तेरी एहसान तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारा दस बहुत अच्छे तेरी गीता तू है शाम प्यारे रे ए हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरी गी दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा ओए दस मेरे शाम ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवारा कि मैं जानवारा ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा ये दिलवा तेरे एहसान तू शाम प्यारे हार वारा कि मैं प्यार वारा तेरे तेरी गीता तू है शाम प्यारे ये हार वारा कि मैं प्यार वारो तेरी गीता तू है जा हो ओए दस मेरे शाम तेरे तू की वारा दिलवारा कि मैं जानवारा दस दत्त मेरे चांद तेरे तू की वाराए, ये दिलवारा कि मैं जानवा दत्त मेरे चांद तेरे तू की वारा, ये दिलवारा कि मैं जानवारों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण कृष्ण सभी संतु निरंतर सभी भद्रान पश्यंतु माता जी दुर्भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।